नवरात्र के पहले दिन सीएन न्यूज ने आजमगढ़ के प्रमुख सिद्धपीठ सिद्धेश्वरी देवी धाम सिधौना जाकर वहां के संस्थापक सदस्य पुजारी एवं निर्माण सहयोग करने वाले लोगों से माता रानी की विशेषताओं के बारे में जाना। ऐसी मान्यता है कि उक्त धाम पर जो भक्त सच्चे मन से माथा टेकते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यह एक सिद्धपीठ है जो पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों से दर्शन पूजन करते हैं। मैना जलाशय के मध्य में छठ मैया का दिव्य मंदिर है जो आकर्षण का केंद्र है। धाम पर लोगों के बच्चों का मुंडन संस्कार, विवाह एवं धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। छठ माता के मंदिर जाने के लिए जलाशय के बीच में पुल बना है जहां पर खड़े होकर लोग मछलियों के कलरव का आनंद लेते हैं। उक्त सिद्धेश्वरी देवी धाम पर अवधूत भगवान राम पधार चुके हैं। मूर्ति को देखकर कहा कि ये अद्भुत स्थान है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी इस धाम पर पधार चुके हैं। यहाँ पर चैत्र रामनवमी एवं पूर्णिमा का मेला लगता है। माँ शक्ति का अपार है कि जिनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मूर्ति की स्थापना चिटहौर ग्राम निवासी स्वर्गीय राम मनोहर सिंह जी ने कराया था। इस दौरान मंदिर के जीर्णोद्धार करने वाले पूर्व प्रधान भूपत सिंह, त्रिभुवन सिंह, भूप नारायण सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, उमा सतीश दीक्षित, राजा राम, जमुना दीक्षित, मार्तंड सिंह, राजेश दीक्षित रेंजर, इंद्रभान चौबे वकील, वृजराज यादव, रामफेर यादव, अंजनी सिंह आदि उपस्थित रहे। सिद्धेश्वरी पीठ धाम पे जहाँ पे लोगों की मानता है, यहाँ पे जो भी मानता है मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो आइए यहाँ पे उपस्थित लोगों से बात करते हैं सिद्धेश्वरी धाम के बारे में। और मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे हैं जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के पंडित हैं, हम लोग उनसे बात करते हैं। मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि ये मंदिर कुएं से निकली है, इसके बारे में क्या बताएंगे? कुछ विस्तार तो क्या बताओ, ये तो है कि जय मंदिर देवी जो है कुएं में ही कूद गई जी। हाँ, वहीं उनका अंत हुआ। और हमारे कुबा वाले इनको मानते हैं, कुल देवी हैं, कुबा के कुल देवी हैं तब से। हमारे साथ भूपत सिंह जुड़ गए हैं, वो बताएंगे मंदिर से जुड़ी कुछ विशेष बातें। सर अपना परिचय दीजिए। हाँ, भूप नारायण सिंह, ग्राम सिधौना, पूर्व प्रधान। सर मंदिर के बारे में कुछ बताइए। मंदिर के बारे में तो देवी कुआं से मतलब कूद के उनका अंत भयल। तो आजमगढ़ में दो शक्तिपीठ है माता जी का, एक पलना देवी, एक ये सिद्धेश्वरी धाम पीठ। तो ऐसा लोगों का मानता है कि यहाँ पे जो भी मांगा जाता है वो पूरा होता है, तो क्या कहेंगे? हाँ हाँ, मिला लो, हाँ सब पर मान्यता पूरा हो ले। और जी अब हमारे साथ एक और सदस्य उमा गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उनका माता रानी में किस तरह का विश्वास है और वो क्या कहेंगे। इस क्षेत्र के लोगों का काफ़ी श्रद्धा है इस शक्तिपीठ पर। अब सिद्धेश्वरी माँ बहुत जागृत हैं और ये इस कुबा क्षेत्र की कुल गुरु, कुल पूज्य हैं। और यहाँ पे आज के नवरात्र के दिन में आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है और लोगों की मान्यता है और इसलिए ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। अब हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी भी जुड़ गए हैं, ये उनसे बात कर दें। सर अपना नाम बताइए। राजा राम। तो आप क्या कहेंगे माँ सिद्धेश्वरी के बारे में? हुआ माँ सिद्धेश्वरी के बारे में हुआ कह क्या कि कुआं में कूद गई नहीं, एक बात तब से मानता हो गई। ये मंदिर परिसर का ही हिस्सा है जिसको यहाँ पे बाग के रूप में परिवर्तित किया गया है और इसी के ठीक पीछे जलाशय है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार यहाँ का नज़ारा दिखाएँ। यहाँ पर काफ़ी लोग आ चुके हैं, आज नवरात्र का पहला दिन है और लोगों में बड़ी उत्साह नज़र आ रही है। हम लोग यहाँ से जाएंगे फिर दिखाएंगे आपको जलाशय के बारे में जिसे रणमत सिंह उर्फ रानू ने और पूर्व प्रधान भूपत सिंह और ग्रामीणों के सहयोग से इसको बनाया गया है। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार सभी नज़ारे को दिखाएं और जिससे लोगों को ये मालूम हो कि आजमगढ़ में जो दो प्रमुख शक्तिपीठ हैं, एक सिद्धेश्वरी धाम, दूसरा पलना देवी मंदिर, तो उसके पहले कड़ी में हम लोग दिखा रहे हैं आपको सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ को। होंगे ये इतना सुंदर गार्डन जो कि सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ के अंदर ही बनाया गया है और इसके निर्माण में प्रमुख सहयोग करने वाले पूर्व प्रधान भूपत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो यहाँ से जुड़ी हुई कुछ तथ्यों के बारे में बताएंगे। सर क्या लगता है कि गाँव में इतना सुंदर गार्डन, इतनी सुंदर मंदिर, क्या सोच के आप लोगों ने ये निर्माण कराया था
कि इतनी भीड़ होगी, क्या सोच रही होगी आपकी? अरे हम कहते हैं यहाँ मंदिर है, भीड़ होबे करेले, अच्छी से अच्छी व्यवस्था मतलब सब मिल के कही रहा हूँ। हाँ, कुबा का कुल देवी हैं, तो मतलब कुल देवी हैं ये सिद्धेश्वरी माँ, जहाँ पे यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, उनकी शादी कहीं भी होती है, मुंडन संस्कार यहाँ किया जाता है। तो स्वामी परानंद जी महाराज का जैसा तस्वीर आप पीछे देख पा रहे हैं बना हुआ है, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? परमानंद जी के पुजारी के रूप में आए यहाँ, पुजारी के रूप में पूजा किए और सारी व्यवस्थाएं अपना किए यहाँ, जो यहाँ चढ़ावा होता है ज़्यादा ये कहीं, हाँ जो चढ़ावा उढ़ावा होता है, कोई खास को देने वाला नहीं था यहाँ। पुजारी जी ही जो 1 रुपया 2 रुपया 100 रुपया 50 रुपया जो जिसने दिया इकट्ठा करके इस निर्माण में लगाया उन्होंने। तो मैंने आपका कहना है कि प्रधान जी ने तो काम किया ही, लेकिन ग्रामीणों का भी सहयोग रहा है इसमें। जी, ग्रामीणों का काफ़ी सहयोग था। तो अभी हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय बच्चे भी जुड़ रहे हैं, और हम लोग उनसे भी बात करेंगे कि माँ सिद्धेश्वरी के बारे में वो क्या कहेंगे। सर अपना परिचय दीजिए। दुर्गेश कुमार दीक्षित है, हम यहाँ के पांडवा हैं। जी जी, तो माँ सिद्धेश्वरी के जो मान्यता है कि यहाँ पे जो भी मांगा जाता है वो पूरा होता है, क्या कहेंगे? वो जो यहाँ मांग दिया जाएगा वो पूरा होता है, और जो पूरा हो जाता है वो लोग पूरा करते हैं। माता उनको आशीर्वाद जो देती हैं, बढ़िया आशीर्वाद देती हैं, और जो बाहरी लोग शादी करके चली जाती हैं लड़कियाँ, वो लोगों के बच्चे वाला लड़कियाँ होती हैं, तो मुंडन कराने के लिए लोग यहाँ जरूर आती हैं। न आने पर वो बच्चे शादी होने पर ही बाद भी आके मुंडन कराना पड़ता है, नहीं कराएंगी तो उनको भोगना पड़ता है। यहाँ पर एक मंदिर में जो कि छठ माँ का मंदिर है, और छठ के पर्व के अवसर पर यहाँ पे महिलाएं छठी व्रता का पूजा करती हैं, तो एक बार मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि तालाब का और छठ मैया के मंदिर का दर्शन करवाएं। अब हम लोग आ गए हैं छठी मैया मंदिर पे, जहाँ पे महिलाएं छठ पर्व के अवसर पर यहाँ पर व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि मंदिर का नज़ारा कराएं, कि जैसा आप देख पा रहे होंगे ये वही मंदिर है जो छठी मैया का मंदिर है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक ही मंदिर परिसर में आपको कई खूबियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक बहुत सुंदर तालाब है, यहाँ पे छठी मैया का मंदिर है, एक बहुत सुंदर गार्डन है, और सिद्धेश्वरी माँ का मंदिर है। तो ये ग्रामीण अंचल में भले ही बना हुआ ये मंदिर हो, लेकिन इस मंदिर में विशेषताएं बहुत सारी हैं। लोगों का जो मांग होता है वो पूरा होता है, यहाँ की जो बच्चियाँ जाती हैं किसी भी जनपद में अगर उनकी शादी होती है उनका जो मांग होता है वो भी पूरा होता है। तो कहीं ना कहीं जो शक्तिपीठ को ले कर लोगों के मन में ये मान्यताएँ हैं, तो आजमगढ़ में दो प्रमुख शक्तिपीठ हैं, एक पलना देवी मंदिर और दूसरा है सिद्धेश्वरी धाम, जो कि सिधौना आजमगढ़ में स्थित है। इसकी आजमगढ़ से दूरी लगभग 40 किलोमीटर है, जौनपुर से दूरी 45 किलोमीटर है, वाराणसी से 50 से 55 किलोमीटर है। मैं अमित कुमार सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ आजमगढ़ से।